नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह, एमवीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवी मुंबई महानगर पालिका की तरफ से वाशी में महिला दिवस जागृति अभियान स्वच्छ अभियान पुरस्कार वितरण को लेकर विधायक वंदना मात्रे ने खुशी व्यक्त की। टैलेंट कम्युनिकेशन एंड फॉर्च्यून सेलेक्ट एग्जीक्यूटिका की तरफ से वुमेन्स डे का हुआ आयोजन। पाम बीच रोड अब नए सिरे से शुरू होकर होगा चकाचक। अब बिना आधार कार्ड के भी कल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ, केंद्र सरकार ने किया खुलासा। होली के शुभ अवसर पर नवी मुंबई बाजार विभिन्न साज, विभिन्न रंग एवं पिचकारी से सज चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नवी मुंबई महानगर पालिका के तरफ से महिला दिवस का आयोजन किया गया, जहां बहुत प्रकार के अभियानों को स्वरूप दिया गया, तो वहीं विधायक वंदना मात्रे ने भी अपनी उपस्थिति दर्शाई। 8 मार्च को नवी मुंबई जागृति महिला दिवस का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वाशी के विष्णुदास भावे नाट्य गृह में नवी मुंबई महानगर पालिका व महिला बाल कल्याण समिति के द्वारा यह आयोजन हुआ, जहां पुरस्कार वितरण स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम हुआ। विधायक मंदा मात्रे इस आयोजन में भेंट दी, उनका सत्कार किया गया एवं सभी मान्यवरों ने अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए इस आयोजन के अंतर्गत अपना संवाद साधा। सभागृहात जावे लागते त्यामुळे आपल्याला कमीत कमी शुभेच्छा देऊन जावं असा विचार केला। जागतिक महिला दिन 8 मार्च नवी मुंबई महानगरपालिका त्यांनी वेळोवेळी हा कार्यक्रम घेऊन इथे वेगवेगळ्या कलागुणांना संधी देण्याचं काम तुमच्यासाठी केलेलं आहे। मी आत्ताच बाहेरून येताना पाहिलं, इतक्या महिलांनी सुंदर कला गुण वापरून इतक्या सुंदर वस्तू तयार केल्या आहेत की थोडा वेळ वाटलं कुठली वस्तू एवढी कुठलं नाही। खाद्यपदार्थ विणकाम असेल, भरतकाम असेल, केक असतील, अनेक पदार्थ तिथे लावले आहेत आणि ही संधी देण्याचं काम तुम्हाला नवी मुंबई महानगरपालिका करत आहे आणि त्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेला मी मनापासून धन्यवाद देते की असंच आमच्या महिलांच्या पाठीमागे नुसतं 8 मार्च न राहता कायमस्वरूपी आमच्या महिलांना आशीर्वाद द्यावा आणि एखादं चांगलं केंद्र सुरू करावं की जेणेकरून त्याच्यामध्ये प्रशिक्षण, त्यांनी उत्पादन केलेला माल आणि त्याला मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग हे जर आपण करून दिलं, आज कोणच ते माझं हे सगळं भाषण ऐकायला, पण निश्चित स्वरूपामध्ये जे काही लोक असतील ती नक्कीच पालिकेत सांगतील। आमचे कोठे साहेब आहेत तिथे, ज्यांच्याबरोबर मी गेली 95 पासून मी त्यांना पाहिलेलं आहे, ते काम करतात। आज जनसंपर्क अधिकारी म्हणून आहेत, ते नक्कीच जनसंपर्क अधिकारी असल्यामुळे आमच्या व्यथा आणि मागण्या पालिकेपर्यंत पोहोचवल्याशिवाय राहणार नाहीत। आज जागतिक महिला दिनानिमित्त आपण एकमेकीला खूप शुभेच्छा देतो, पण हा एक दिवसच आपल्या जीवनात नसावा असं मला नेहमीच वाटतं। आपण सगळ्या इतक्या तत्पर आणि इतक्या कार्यक्षम आहात की आज नुसतं देशात, राज्यात, सगळीकडे महिला पाहिलं तर सर्व क्षेत्रामध्ये आघाडीवर आहेत। कुठलंही असं क्षेत्र नाही की जिथे आपण महिला नाही। आज जर तुम्ही वृत्तपत्र आजची सगळी जर वाचली घेऊन तर अनेक क्षेत्रात, विविध क्षेत्रात काम केलेल्या महिलांच्या तुम्हाला मुलाखती वाचायला मिळतील की त्यांनी आपापल्या क्षेत्रामध्ये कसं काम केलं आहे। ती ही अनंत काळची माता आहे, ती ज्यावेळी 9 महिने गर्भामध्ये बाळ वाढवते, त्याला जन्म देते आणि जन्म देणारी माता ही काही सर्वसाधारण स्त्री असू शकत नाही। त्याच्यामुळे कोंडे साहेब नुसतं 8 मार्च म्हणून आमचा सत्कार सन्मान करू नका, तर कायमस्वरूपी पालिकेला सांगा की आमच्यासाठी काहीतरी एक ठोस असं एक सभागृह बांधून द्या आम्हाला, किंवा ठोस असं आमचं विक्री केंद्र बांधून द्या, प्रशिक्षण द्या असं मी आज आपल्याला सांगू इच्छित आहे। मला एवढंच सांगायचं आजच्या दिवशी की तुम्ही सगळ्यांनी संघटित होऊन या देशात, या राज्यात, या नव्या मुंबईत काय चाललं आहे हे डोळसपणे पाहिलं पाहिजे, तुमच्या न्याय हक्कासाठी तुम्ही भांडलं पाहिजे। पण कसं, कोणाच्या कुबड्या न घेता तुम्ही सक्षमपणे स्वतःच्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे। स्वतःच्या पायावर उभं राहून ज्यावेळी आपण 2 पैसे मिळवतो त्याचा आनंद फार वेगळा असतो। आपण एकत्रित कुटुंबात राहून अनेक गोष्टी आपण करू शकतो। आज मी अनेक महिलांनी बघितलं, पापड, लोणची, मिरच्या
अनेक असे पदार्थ आणलेले आहेत, तर हे सुद्धा आपण त्यांना चांगली मार्केटिंग वगैरे आपण मिळवून देऊ शकतो. आपल्या कलागुणांना संधी देण्याचं काम पण महानगरपालिकेने केलेलं आहे. ते महिला आमदाराचा मला एक अभिमान आहे की माझ्या भगिनी माझ्या सखी आज पुढे होऊन स्वतःला ओळखायला लागलेल्या आहेत, स्वतःचं अस्तित्व ओळखायला लागलेत, स्वतःची ताकद ओळखायला लागलेल्या आहेत. आपल्याला माहिती असेल पूर्वी दुर्गा माता जिच्याकडे संरक्षण खातं होतं ती लढायची आणि राक्षसांचा नाश करायची. सरस्वतीकडे एज्युकेशन होतं म्हणून शिक्षणात सरस्वती ज्याच्याजवळ असते त्याची वाणी ही सरस्वतीसारखी असते. त्यानंतर आपण लक्ष्मी ज्याकडे लक्ष्मी आहे ती लक्ष्मी पूर्वीसुद्धा महिलांनी चांगलं काम केलेलं आहे म्हणून त्यांना देवतांचं स्वरूप देऊन त्या पुढे आलेल्या आहेत. आज मला वाटतं नव्या मुंबईमध्ये आमच्या अनेक ठिकाणी रणरांगणी निवडून आलेल्या आहेत, त्यासुद्धा चांगलं समाजात काम करत आहेत. आपण पण सर्वांनी चांगलं काम करावं. आपल्याला कुठलीही गरज मदत किंवा उद्योगासाठी कुठला उद्योग खोलायचा असेल तर आपण मला जरूर संपर्क साधा. मी आपल्याला मदत केल्याशिवाय राहणार नाही, कारण मला वाटतं गृहिणीने पुढे जाण्यासाठी उद्योगामध्ये पुढे आलं पाहिजे, स्वयंरोजगार निर्माण केला पाहिजे. या राज्यामध्ये जर स्वयंरोजगार निर्माण झाला तर बेकारी आटल्याशिवाय राहणार नाही. आज आपण एक महिलांनी 3-4 मुली घेऊन हाताखाली काम करून एखादी वस्तू तयार केली आज 3 मुलींना काम मिळतं. आताच मी पाहिलं एका की मी 2-3 महिला घेऊन एक काम करते. हा स्वयंरोजगार निर्माण करून देण्याची शक्ती तुमच्या आमच्यात आहे आणि म्हणूनच आज भगिनीनो 8 मार्च रोजी मी जागतिक महिला दिनानिमित्त आपल्या सगळ्या भगिनींना खूप खूप शुभेच्छा देते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जागृति महिला दिन मनाते हुए स्त्रियों की शक्ति का बखान हुआ एवं उनका कर्तव्य का मनोदय हुआ. ब्यूरो रिपोर्ट MVTV. स्टेलेंट कम्युनिकेशन एंड फॉर्च्यून सेलेक्ट की तरफ से विमेंस डे का आयोजन किया गया. जहां नारी शक्ति को दर्शाया गया तो वहीं विधायक मंदा मात्रे का स्वागत किया गया. 8 मार्च को पूरे संसार में महिला दिवस मनाया गया. नवी मुंबई में स्टेलेंट कम्युनिकेशन एंड फॉर्च्यून सेलेक्ट एक्जोटिका के तरफ से बुधवार वाशी में भी इसका आयोजन किया गया. इस आयोजन में प्रमुख अतिथि के तौर पर विधायक मंदा मात्रे मौजूद रहीं. उनका स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया. इसी दरमियान समाज सेविका उषा दत्त, इस स्टेलेंट कंपनी के डायरेक्टर सुहासिनी अहलुवालिया मेहता एवं अनेक मान्यवर महिला उपस्थित रहीं. स्त्री को वृक्ष का रूप देकर उनका जड़ को बखान करते हुए उनके शक्तियों को दर्शाया गया. विभिन्न तरह से छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे जिनमें वस्तु से लेकर चॉकलेट तक का प्रदर्शन था. इस उपलक्ष्य में विधायक मंदा मात्रे ने अपनी शुभेच्छा जाहिर की. मला असं सांगायचं होतं की ह्या ज्या महिला आहेत यांनी आज महिला दिवस हे दुसरं वर्ष आहे माझं इथे येण्याचं आणि चांगला महिला दिवस साजरा करून त्यांनी एक एक्झिबिशन लावले आणि आता आपण बघितलं पेंटिंग. तर महिला ज्या ज्या क्षेत्रात काम करतात त्यांना इथे संधी दिलेली आहे. असं संपूर्ण नवा मुंबईत प्रत्येकाने जर काम केलं तर अनेक महिलांच्या अंगामध्ये अतिशय कलागुण आहेत, त्यांना एक मौका मिळेल. मी नेहमीच म्हणते की महिलांना संधी दिली तर त्याचं ते नक्की सोनं करतात. आज जागतिक महिला दिवस आहे आणि या मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांनी आज इथे साजरा केलेला आहे. माझ्या खूप खूप सर्व महिलांना मनापासून जागतिक महिला दिनाच्या निमित्त हार्दिक शुभेच्छा. इस दिन के उपलक्ष्य में कुछ महिलाओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. सुहासिनी जो है वो बहुत ही शी डज अ ग्रेट जॉब. इतनी सारे लेडी एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठा करती हैं और उनको अपलॉड करती हैं और यहाँ पे आके बहुत नए लोगों से हमारी मुलाकात होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, एक दूसरे की मदद करना. सभी महिलाओं को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. जो अपने टैलेंट्स हैं, जो हमारे पास जो खूबियां हैं वो हमें शेयर करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए. मेरे को बहुत खुशी हुई है, मैं पंजाब से यहाँ पर स्पेशल इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी भांजी इतनी लायक है, इतनी समझदार है और औरतों के लिए जितना उनको उठाना चाहती है बहुत मैक्सिमम कोशिश करती है. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और मैं भी चाहूँगी कुछ ना कुछ इससे मैं भी सीख के मैं आगे बढ़ूँ. चाहे मेरी एज जैसे भी है, हर एज कोई काउंट नहीं करती. जब मर्जी आप किसी की हेल्प कर सकते हो. हम तो ये सोचते हैं कि महिला दिवस तो हर दिन है बट स्पेशली उसको मनाने के लिए एक दिन 8 मार्च वो कर दिया है. द मेन रीज़न इज़ दैट इकोनॉमिकली सोशली एंड फाइनेंशियली यू पीपल आर
बेटर ऑफ। तो इस यहाँ पर जब मिले हम छोटी छोटी एज के एंटरप्रेनर्स को देख के बहुत अच्छा लगा है कि वो अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 8 मार्च को यह निर्मल दिवस मनाया गया जहाँ संपूर्ण रूप से सफल रहा। कैमरामैन प्रणीत कप्से के साथ राज चौहान, MVTV। होली के शुभ अवसर पर इस पावन त्योहार पर लोगों के खुशी में पुलिस भी शामिल होना चाहती है। इसी को लेकर कोई अनहोनी ना हो इसलिए नवी मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को किया कड़ा। होली को देखते हुए पुलिस ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। रंग पंचमी के त्योहार में कोई अनहोनी न हो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा कड़ा किया गया है। महिलाओं से छेड़छाड़ एवं धार्मिक भावनाओं को लेकर कोई माहौल खराब न हो, ये सब को लेकर पुलिस बड़े ही सावधानी से कड़ा बंदोबस्त किया है। वरिष्ठ पुलिस के आदेश के बाद जगह जगह पर नाकेबंदी करके गाड़ियों का चेकिंग शुरू किया गया है। पुलिस कोई भी मौका उनको नहीं देना चाहती जो लोग उपद्रव में शामिल हों। इसलिए कायदे कानून के अनुसार रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा एवं सुरक्षा में कमी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। फागुन के पावन महीने में पूरे देश में होली मनाई जाती है। इसी को लेकर नवी मुंबई बाजार रंग एवं तरह तरह के पिचकारी से सज चुका है जो कि बच्चों की खुशी को दुगना करती है। जैसे जैसे होली नजदीक आती है बाजार का रंग काफी चढ़ जाता है। नवी मुंबई के बाजारों में पूरा बाजार रंग एवं होली के सामानों से सज चुका है। रंग बिरंगे कलर, स्प्रे कलर, परंपरागत गुलाल, अनेक तरह के पिचकारी उपलब्ध हैं। बच्चों में लेकर इसका उत्साह काफी ज्यादा रहता है। इसी को लेकर हमारे MVTV के प्रतिनिधि ने लोगों से प्रतिक्रिया ली। पिचकारी लेके हम लोग खुशी खुशी रहते हैं और पिचकारी लेके अभी 2-3 दिन में होली आने वाली है। सबको सबके साथ मजा मस्ती करेंगे, सबको ऐसे ऐसे भरेंगे, कलर ले गए, पिचकारी ले गए, सब ले गए, हमको भरे गए ऐसे ऐसे। 50 रुपए से शुरू होने वाले पिचकारी का मैक्सिमम प्राइस 1000 रुपए तक पर्याप्त है। विभिन्न एवं बड़े पैमाने में दुकानदारों के पास इसका जखीरा है जिसको लेकर होली में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसी संदर्भ में दुकानदार भाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कलर बहुत अच्छा अच्छा है होली के वगैरह, लॉन्ग लास्टिंग मकाई के वगैरह, बच्चों को स्टिंग में वगैरह कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, आंखों में वगैरह स्किन में वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाले, कलर बहुत न्यू आए हुए और कैप्सूल वगैरह भी कलर में। पिचकारी का सेलिंग बहुत अच्छा है और कटिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है, टैंक वाला है वगैरह, गन वाला है, टैंक वाले बहुत सारे स्टॉक आए हुए, अलग अलग कार्टून वाले है, डोरेमोन का है, एंग्री बर्ड का है, बेंटेन है। हाईएस्ट है 1050 तक है और जैसा 50, 60, 70 जैसा चाहिए वैसा। होली को लेकर नवी मुंबई लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ विकास कुमार सिंह, MVTV। मशहूर वाशी से बेलापुर पामबीच रोड अब नए रूपरेखा से तैयार होंगे। इस रोड को बनाने की काफी जरूरत थी ताकि शहरों में और भी रौनक बढ़ सके। नवी मुंबई करो के लिए वाशी से बेलापुर पामबीच रोड आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में अगर रोड की स्थिति खराब हो तो शहर के चकाचौंध को नजर लग जाती है। इस रोड को एक नए सिरे से काम करके इसको चमकाया जाएगा। 7,86,00,000 रुपए के लागत से इसको बनाया जाएगा जिसका ठेका जर्मनी की कंपनी को दिया जा रहा है। जल्द ही काम की शुरुआत होनी है एवं लोगों को अच्छी रोड सर्विसेज दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु आधार कार्ड के बिना भी काम पूरा हो सकता है। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को हर एक चीज से जोड़ रखा है, इस काम में भी उसकी जरूरत है, लेकिन जिनके पास न हो उनको इसके बिना भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। आधार कार्ड का महत्व हर एक कामों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आधार कार्ड या उसका क्रमांक न हो तो आपका काम रुक सकता है। केंद्र सरकार ने हर एक चीजों में आधार कार्ड को जोड़ा है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप बिना आधार कार्ड के भी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आप बिना आधार कार्ड के भी योजनाओं का लाभ दूसरे पहचान पत्र दिखाकर ले सकते हैं। जब आपका काम पूरा होगा या प्रोसेस में रहेगा तो आपको अंतिम चरण में आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। इसको बनवाने के लिए पूरा समय दिया जाएगा एवं सरकारी योजनाओं को लाभ लेने हेतु ये बाधा नहीं बनेगी। अब आधार कार्ड बहुत ही आवश्यक हो गया है, इसको बनवाना अनिवार्य है, लेकिन ये सारी योजनाओं में इसके बिना भी आप लाभ ले सकते हैं, ऐसा केंद्र सरकार ने खुलासा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। आज के समाचार में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए MVTV न्यूज़।